सो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। फिलहाल जो कोर्स हमारा चल रहा है गाइस आर्ट एंड कल्चर का, तो आज के सेशन में हम लोग टेंपल आर्किटेक्चर का ही नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे द्रविडियन स्कूल ऑफ स्टाइल की, यानी कि द्रविडियन स्टाइल के टेंपल आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, जो कि हमें साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। और इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग इसको पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के साथ समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल की, साउथ इंडियन स्टाइल की, तो हमने जब पहले नागर स्टाइल को पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्थ इंडिया में नागर स्टाइल टेंपल आर्किटेक्चर का जो शुरुआत हमें देखने को मिला, वो गुप्ता पीरियड में देखने को मिला, अराउंड 5th century AD। बट जब हम बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल की, साउथ इंडियन स्टाइल की, तो ये हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिला पल्लवास के टाइम पर, और साथ ही साथ ये हमें देखने को मिला चोलास के टाइम पर। तो इनको हम यहाँ पर डिटेल से समझेंगे कि किस तरीके से, किस टाइम पीरियड में, किस एरा में क्या कुछ डेवलपमेंट हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारे आज के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए कुछ कॉम्बो प्राइजेस और कुछ कॉम्बो ऑफर्स लेकर के आया है। अगर आप यहाँ पर GS और ऑप्शनल का कॉम्बो प्लान लेते हैं, तो उस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट फिलहाल ऑफर प्राइस पर देखने को मिल रहा है। बाकी एडिशनल डिस्काउंट आपको 10% का मिलेगा जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10। सपोज अगर 1 year के सब प्लान की अगर हम बात करें, तो पहले आपको 77,000 rupees पे करने पड़ते थे, बट जो फिलहाल ऑफर प्राइस है वो है 57,500 का, यानी कि 25% तक का डिस्काउंट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहां पर और मिल जाएगा। इसी तरीके से आइकॉनिक, GS और ऑप्शनल के प्राइजेस में भी आपको काफी ज्यादा जो है डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्लीज जाएं, जाकर इसका फायदा उठाएं, एनरोल करें। साथ ही साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 13 June को एक ऑल इंडिया लेवल पर लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर के 12 noon तक ये रहेगा। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अवर रेफरल कोड RANK10। साथ ही साथ ये लाइव टेस्ट रहेगा, तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी क्या तैयारी है, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है, कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, आप इवेल्युएट कर पाएंगे। इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप और प्राइजेस भी दिए जाएंगे वर्थ ₹3 crore, और जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी अनअकैडमी के द्वारा बाय यूजिंग जो हमारे टॉप मेंटर्स हैं उनके थ्रू। तो प्लीज जाकर के ज्वाइन करें, एनरोल करें। यहाँ पर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो 25% से लेकर के 100% तक की स्कॉलरशिप है। बाकी यहाँ पर मैकबुक, आईपैड, एयरपॉड और आईफोन जैसे कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर UPSC टॉपर्स, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स के थ्रू आपको यहाँ पर जो है जो टॉप 50 रैंकर्स होंगे उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज जाएं, एनरोल करें, ज्वाइन करें। 13 June को ये टेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी है। अगर आप फिलहाल 1 year का प्लान लेते हैं, तो वो प्लान आपका प्रीलिम्स 2022 तक के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर आप 2 year का प्लान लेते हैं तो वो प्रीलिम्स 2023 तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बाकी जब यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10, तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी 0% इंटरेस्ट रेट पर, 0% प्रोसेसिंग फी के साथ लोन की फैसिलिटी भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, लिंक के ऊपर क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए, अनअकैडमी की टीम खुद से कॉन्टेक्ट करेगी। साथ ही साथ एवरी संडे सुबह 11 बजे एक स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट, आपको पता ही है कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होता ही है, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ 2 June से कुछ नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। 2021 वाले एस्पिरेंट्स के लिए रिवीजन बैचेस हैं, जिसमें आपका प्री का मेंस का रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1 year के बैचेस 2022 वाले एस्पिरेंट्स के लिए और 2 year के बैचेस 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर के आया है, जिसमें आपका प्री का मेंस का GS का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा काफी सारे NCERT बैचेस भी हैं, जिसमें आपका कंप्लीट NCERT कवरेज कराया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो NCERT आपका एक होलिस्टिक मैनर में कंप्लीट कवरेज होगा। साथ ही साथ आपकी फाउंडेशन में बिल्डअप करने में हेल्पअप करी जाएगी, लाइव क्लासेस होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और आरती मिश्रा मैम का गाइडेंस भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो प्लीज एनरोल करें, ज्वाइन करें। प्लस और आइकॉनिक दो तरीके के सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आइकॉनिक में फीस ज्यादा है, क्योंकि थोड़े से बेनिफिट्स भी ज्यादा है। साथ ही साथ देयर आर सो मेनी कॉस्ट एफिशिएंट कॉम्बो प्लान्स आल्सो, जिसके अंदर आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज जाएं, जाकर अनअकैडमी को ज्वाइन करें, एनरोल करें, यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड RANK10 फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो चलिए गुड इवनिंग एवरीवन, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। आज के सेशन में गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रविडियन स्टाइल के टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में। द्रविडियन स्टाइल माने कि साउथ इंडिया के अंदर जो हमें टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है।
तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमने जब इससे पहले नागर स्टाइल को पढ़ा था, तो आपको ध्यान होगा नागर स्टाइल में मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्थ इंडिया में जो नागर स्टाइल डेवलप हुआ वो गुप्ता पीरियड से हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिला। वहीं जब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की द्रविडियन स्टाइल की, तो ये हमें पल्लवास और साथ ही साथ जो है चोलास के टाइम पर डेवलप होता हुआ देखने को मिला। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे पल्लवास के टाइम पर और साथ साथ चोलास के टाइम पर ये टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ हमें साउथ इंडिया में देखने को मिला। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें द्रविडियन स्टाइल की, तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़े से ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर का मतलब क्या है? द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन यानी कि साउथ इंडियन, तो ये हमें जो साउथ इंडिया पेनिनसुला इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, वहां पर हमें जो है ये टेंपल आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं टेंपल आर्किटेक्चर की जो कि साउथ इंडिया में हुआ, उसको हम बेसिकली द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्लवास के टाइम पर यह शुरू हुआ, हमें इनिशियल स्टेज का टेंपल आर्किटेक्चर पल्लवास के टाइम पर देखने को मिला, और आगे चल करके फिर पल्लवास के टाइम पर अगर हम बात करें तो उसके बाद चोलास के टाइम पर हमें बहुत बड़े लेवल पर यह टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप होता हुआ देखने को मिला। बाकी और भी जो डायनास्टीज थी उनके टाइम पर भी हमें यह देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो साउथ इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, ये डायनास्टिकली डेवलप हुआ। जब हमने गुप्ता पीरियड की बात करी थी तो आपको पता होगा गुप्ता पीरियड में भी हमने पढ़ा था, गुप्ता पीरियड में हमने क्या पढ़ा था, गुप्ता पीरियड में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई जब टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ नॉर्थ इंडिया में तो वो गुप्ताज में हुआ, ओडिशा के अंदर अलग से हुआ, मैंने आपको पढ़ाया था। खजुराओ चंडेल रूलर्स के टाइम पर हुआ, वो मैंने आपको पढ़ाया था। सोलांकी रूलर्स के टाइम पर क्या था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो कल हमने वो सब पढ़ लिया। बट अब साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में भी हमें चोलाज और पल्लवाज जैसी डायनास्टीज देखने को मिली, जिन्होंने यहाँ पर टेंपल आर्किटेक्चर को बहुत बड़े लेवल पर बढ़ाया। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर बात करते हैं पल्लवाज की, तो पल्लवाज वर नोन अबाउट दिस, यानी कि पल्लवाज ने ही जो है सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर करी, और उन्हीं के टाइम पर हमें जो है क्या देखने को मिला, उन्हीं के टाइम पर हमें ये टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती हुई देखने को मिली, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पल्लवाज के टाइम पर जब हम बात करते हैं टेंपल आर्किटेक्चर की, तो खास बात क्या है पल्लवाज के टाइम की, पल्लवाज के टाइम की खास बात यहाँ पर यह है कि जो हमें ये टेंपल्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये चार स्टेजेस के अंदर डेवलप हुए, यानी कि पल्लवा रूलर्स के टाइम पर अलग अलग स्टेजेस के अंदर ये डेवलप होते हुए हमें यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अपने आप में खास बात यहाँ पर हो जाती है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं आगे चल करके ये जो डेवलप हुए, ये बेसिकली कब डेवलप हुए, ये फिर चोल्स पीरियड के अंदर, चोलास के टाइम पर सबसे ज्यादा हमें डेवलप होते हुए टेंपल्स देखने को मिले। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साउथ इंडिया में टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत कहां से हुई, तो आपने क्या बताना है, साउथ इंडिया में जो टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई वो हमें पल्लवास के टाइम पर देखने को मिली। और जब हम बात करते हैं आगे चल करके चोल पीरियड की, तो चोल पीरियड में हमें एक बहुत बड़े लेवल पर टेंपल्स, बड़े बड़े टेंपल्स जिसको हम बेसिकली कहते हैं द्रविडियन स्टाइल, वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो ये कुछ खास बातें हैं इसकी। जब हम बात करते हैं पल्लवास की, तो पल्लवास के टाइम पर जो टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई वो वैसे ही हुई जैसे गुप्ताज में हुई थी, यानी कि मोनोलिथिक। शुरुआत में हमें मोनोलिथिक टेंपल्स ही देखने को मिले, केव टेंपल्स ही देखने को मिले, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या बड़ी बड़ी चट्टानों को, बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े पत्थरों को, सिंगल पीस ऑफ रॉक को काट करके उसमें कार्विंग करके टेंपल बनाया जाता था। तो शुरुआत यहीं से देखने को मिली, बट आगे चल करके फिर बड़े बड़े स्ट्रक्चरल टेंपल्स हमें बनते हुए देखने को मिले। और पल्लवास के टाइम पर तो ये चार स्टेजेस के अंदर हमें डेवलप होते हुए देखने को मिले, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। तो ये है बेसिकली टेंपल आर्किटेक्चर जो कि हमें साउथ इंडिया में देखने को मिला, ये उसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं द्रविडियन स्टाइल की, तो जैसे कि आपको ध्यान होगा नागर स्टाइल को जब हमने पढ़ा था, तो नागर स्टाइल के अंदर भी कुछ खास फीचर थे। क्या थे वो खास फीचर? नागर स्टाइल के अंदर हमें जो टेंपल था वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ देखने को मिलता था, साथ ही साथ नागर स्टाइल में जो टेंपल्स थे उसके ऊपर हमें शिखर देखने को मिलता था कर्वी लीनियर शेप का, और साथ ही साथ वहां पर कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती थी। ये कुछ खास फीचर हमें नागर स्टाइल में देखने को मिले। इसी तरीके से साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल के अंदर भी हमें कुछ सर्टेन स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट फीचर्स यहाँ पर देखने को मिले, जो कि अपने आप में साउथ इंडियन स्टाइल को या कहें द्रविडियन टेंपल्स को खास बना देते हैं। उसको अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि भाई क्या वो खास फीचर हैं जो कि हमें साउथ इंडिया के टेंपल्स में देखने को मिलते हैं। यहां तक आपका किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी का कोई भी डाउट हो एक बार पूछ लीजिए, डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर,
लेटर मोरल पेंटिंग्स खत्म हो गया है क्या? नहीं, लेटर मोरल पेंटिंग्स को हम तब पढ़ेंगे जब हम पेंटिंग्स को पढ़ेंगे। जब हम पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में भी, मोरल पेंटिंग्स के बारे में भी, और फिर आगे चल करके कैसे मुगल पीरियड में मेडाइवल इंडिया में पेंटिंग का डेवलप हुआ। अभी हम आर्किटेक्चर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आगे जब हम बात करेंगे पेंटिंग सेगमेंट की तो पेंटिंग सेगमेंट में हम चीजों को कवर करेंगे। स्वाति का यहाँ पर कमेंट है, चालुक्य वॉज ऑल्सो देयर सर फॉर फ्लोरिश टेम्पल आर्किटेक्चर। बिल्कुल स्वाति, चालुक्यास वर ऑल्सो देयर, बट चालुक्यास का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो हमें 10th century AD में देखने को मिलता है और उसे वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोला जाता है, जिसको हम कल पढ़ेंगे, और वो साउथ इंडियन यानी कि द्रविडियन स्टाइल से काफी ज्यादा अलग होता है, उसके अंदर कुछ अपने सर्टेन फीचर्स हैं, तो आप उसको यहाँ पर नहीं जोड़ सकते इसके साथ, बिकॉज द्रविडियन स्टाइल या कहें साउथ इंडियन स्टाइल जो हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिला वो पहले तो पल्लवास के टाइम पर और फिर आगे चल करके चोलास के टाइम पर ही हमें देखने को मिला। चोलास भी कौन? इंपीरियल चोलास, है ना, उनके टाइम पर ही हमें देखने को मिला। देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं द्रविडियन टेम्पल की, तो द्रविडियन टेम्पल की सबसे खास बात क्या है? द्रविडियन टेम्पल की सबसे खास बात ये होती है कि जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनते थे उनके आसपास एक बाउंड्री वॉल होती थी, यानी कि हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो टेम्पल्स होते हैं उनके आसपास हमें एक दीवार देखने को मिलती है, यानी कि एक कंपाउंड वॉल हमें देखने को मिलता है, और बीच बीच में बड़े बड़े गेटवेज गोपुरम भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो हेयर यू कैन सी, सपोज करके चलो ये बीच में आपको ये टेम्पल देखने को मिल रहा है, दिस इज द टेम्पल, ठीक है, ये टेम्पल है जो कि आपको यहाँ पर बीचम बीच देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आसपास ये चारों तरफ क्या है, ये आपको एक बाउंड्री वॉल, दिस बाउंड्री वॉल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या खास बात है, इस बाउंड्री वॉल के बीचम बीच आपको यहाँ पर ये एंट्री के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे देखने को मिल रहा है जिसे गोपुरम बोला जाता था, तो यहाँ पर आपको गोपुरम भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं साउथ इंडियन स्टाइल की तो और क्या खास फीचर हो जाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल के, कि यहाँ पर हमें एक इस तरीके का वाटर टैंक भी देखने को मिलता था। और भी कुछ खास फीचर थे, जैसे कि यहाँ पर हमें विमान देखने को मिलता था जो कि कर्वी लीनियर नहीं होता था, ठीक है, यानी कि अगर आप बात करें नागर स्टाइल की तो नागर स्टाइल में जो हमने शिखर पढ़ा वो कैसे होते थे, वो इस तरीके के कर्वी लीनियर होते थे, मतलब इस तरीके के ऊपर को जा रहे होते थे कर्वी लीनियर शेप के। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पर जो शिखर विमान हमें देखने को मिल रहा है साउथ इंडिया में वो कैसा है, वो यहाँ पर कर्वी लीनियर ना होकर के पिरामिडिकल शेप का काफी हद तक हमें यहाँ पर वो देखने को मिलता है, ठीक है। और साउथ इंडिया में इसको विमान बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोला जाता था, तो ये कुछ खास बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि चार डिस्टिंक्ट फीचर क्या हैं साउथ इंडियन टेम्पल के, तो सबसे पहली बात आपने क्या बोलनी है कि भाई साउथ इंडियन टेम्पल्स के आसपास हमें कंपाउंड वॉल, एक बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है, और उसके बीच में गोपुरम, बड़े बड़े गेटवे देखने को मिलते हैं जो कि साउथ इंडिया में खास है। दूसरी चीज आपने क्या बोलनी है कि एक वाटर टैंक होता है। तीसरी चीज आपने यहाँ पर क्या बोलनी है कि ये कोई हायर प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाए जाते। तीसरी और फोर्थ पॉइंट आपने यहाँ पर क्या बोलना है, फोर्थ पॉइंट आपने ये बोलना है कि जो इसके विमान होते हैं वो कर्वी लीनियर शेप के नहीं होते। ये चार बातें जो है खास हो जाती हैं अपने आप में, किसको लेकर के, साउथ इंडियन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स को लेकर के। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेकेंड पॉइंट आ गया कि जो विमान होता है वो स्टेप्ड पिरामिड शेप का होता है, यानी कि कर्वी शिखर, कर्विंग शिखर वो नहीं होता, ठीक है, वो कैसा होता है, स्टेप्ड पिरामिड शेप का आपको देखने को मिलता है। अभी जब मैं आपको आगे टेम्पल्स दिखाऊंगा, इमेजेस दिखाऊंगा, तब आप समझ भी जाएंगे वहां पर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो शिखर के ऊपर हमें विमान के ऊपर एक शिखर, एक क्राउनिंग एलिमेंट देखने को मिलता है, वो भी अपने आप में खास होता है। जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में हमें अमालक और कलश देखने को मिलता था, अमालक और कलश कैसे होते थे, ये जा रहा है शिखर, शिखर के ऊपर ही इस तरीके का एक बेस स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको अमालक बोला जाता था, और अमालक के ऊपर यहाँ पर एक हमें कलश देखने को मिलता था। ये खास हो जाता था किसको लेकर के, ये खास हो जाता था नॉर्थ इंडिया में। वहीं जब हम बात करते हैं साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में ये अमालक और कलश की जगह पर हमें शिखर देखने को मिल रहा है जो कि एक छोटा सा उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता था। ये खास बात यहाँ पर हो जाती है, ऑक्टागन शेप का ये शिखर हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेन और खास बात क्या है कि जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स हैं इनकी जो दीवारें होती थी, जो मेन गेटवे होता था, उसके ऊपर आपको द्वारपालास बने हुए देखने को मिलते थे, यानी कि डोर कीपर्स के स्कल्पचर्स आपको यहाँ पर बने हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक लार्ज वाटर रिजर्वायर यानी कि एक पानी का टैंक भी इनके अंदर देखने को मिलता है जो अपने आप में इसको खास बना देता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और क्या हो जाती है कि यहाँ पर हमें जो छोटे छोटे और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, सब्सिडरी श्राइन देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर कोई भी शिखर नहीं बना हुआ, ना ही कोई विमान बना हुआ, वो एकदम नॉर्मल है, प्लेन है। ये खास बात यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि नागर स्टाइल में हमने क्या देखा, नागर स्टाइल में हमने ये देखा था कि जो सबसे बड़ा शिखर होता था, सबसे बड़े शिखर के नीचे ही हमें क्या देखने को मिलता था, गर्भगृह देखने को मिलता था। बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है, साउथ इंडिया में गर्भगृह जो है वो स्मॉलेस्ट टावर्स के अंदर भी, यानी स्मॉलेस्ट विमान के नीचे भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ खास बातें हैं जो कि हमें साउथ इंडियन या कहें द्रविड़ियन स्टाइल के टेम्पल में देखने को मिलते हैं। तो ये चार पांच पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं जो कि साउथ इंडियन स्टाइल के हैं, जो कि अपने आप में इसको खास बना देते हैं। ठीक है, चार पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट कंपाउंड वॉल, दैट इज बाउंड्री वॉल अलोंग विद द गोपुरम्स, यानी कि बड़े बड़े गेटवेज। सेकंड पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वाटर टैंक होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर आपको द्वारपाल बने हुए देखने को मिलते हैं। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर शिखर होता है या कहें विमान जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर स्टेप्ड पिरामिड शेप का होता है, जो कि ज्योमेट्रिकली राइज कर रहा होता है, ना कि कर्वीलिनियर शेप का। यानी कि कैसा होता है वो, इस तरह के से, जैसे एक बड़ा लगाया फिर उसके ऊपर एक छोटा, मतलब इस तरीके का ये बना होता है, पिरामिडिकल शेप का ये हमें बना हुआ देखने को मिलता है, ना कि कर्वीलिनियर शेप। तो ये खास बातें हैं किसकी, साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो यहां तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका। तो ये मैंने आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मेन फीचर्स साउथ इंडियन स्टाइल के बताए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि पल्लवास के टाइम पर साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ। अब हम यहाँ पर उसको पढ़ेंगे और फिर बाद में हम चोलास के टाइम पर पढ़ेंगे। यहां तक आपका किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। डाउट नहीं है, चीजें क्लियर हैं, तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पल्लवास की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउथ इंडियन स्टाइल यानी कि साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई वो हमें पल्लवास के टाइम पर ही देखने को मिली। और पल्लवास के टाइम पर भी कौन से रूलर के टाइम पर, महेंद्र वर्मन वन जो कि पल्लवा रूलर थे उनके टाइम पर हमें जो है ये टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती हुई यहां पर देखने को मिली, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन वन की, तो महेंद्र वर्मन वन बहुत इंपॉर्टेंट पल्लवा किंग थे, जो कि हमें कब देखने को मिलते हैं, 7th century AD में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की, तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर कब शुरुआत हुई इसकी, 600 से लेकर के 630 एडी के बीच में ये शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिली। क्यों? क्योंकि महेंद्र वर्मन वन की जो डेथ है वो कब हो जाती है, वो 630 एडी के अंदर हो जाती है इनकी डेथ। तो अर्ली 7th century के अंदर हमें ये टेम्पल आर्किटेक्चर पल्लवास के टाइम पर डेवलप होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई वो शुरुआत थी पल्लवास में। और इसी तरीके से अलग अलग जो रूलर्स आए, महेंद्र वर्मन वन के बाद हमें नरसिंह वर्मन देखने को मिले, उनके टाइम पर कुछ और चेंजेस आए, फिर राज सिंह देखने को मिले, उनके टाइम पर कुछ और चेंजेस आए, वो एक एक करके हमें चार स्टेजेस के अंदर ये डेवलपमेंट यहाँ पर टेम्पल्स की देखने को मिली। यानी कि चार रूलर्स और चार तरीके के डेवलपमेंट टेम्पल्स में देखने को मिली। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की जब हम बात करेंगे तो हम महेंद्र वर्मन की बात करेंगे, यानी कि महेंद्र ग्रुप के जो टेम्पल हमें बनते हुए देखने को मिले अर्ली 7th century के अंदर। जब हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज की, तो ये बेसिकली रॉक कट टेम्पल्स ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि क्या किया जाता था, बड़े बड़े मोनोलिथ्स को, बड़े बड़े पत्थरों को काट करके टेम्पल बनाया जाता था, और ये टेम्पल बहुत ही छोटे होते थे। आपको ध्यान होगा जब हमने गुप्तास के टाइम पर टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो जो फर्स्ट स्टेज थी ना कि बहुत छोटा सा स्क्वायर शेप का टेम्पल बनाया गया है, उसी टाइप के टेम्पल आप मान लीजिए जो कि हमें महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये जो टेम्पल्स होते थे ये बस इतने ही होते थे, इनको मंडपा बोला जाता था, सिर्फ मंडपा, यानी कि इतना छोटा सा टेम्पल होता था कि बस आप एंटर करो और सामने जो है मूर्ति है भगवान या देवी की, जिनका वो मंदिर है, और वो टेम्पल खत्म। बहुत छोटा सा टेम्पल आपको वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर सिर्फ एक असेंबली हॉल वगैरह कुछ नहीं होता था, सिर्फ टेम्पल होता था, यानी कि प्रिंसिपल डेटी ही हमें अंदर देखने को मिलती थी और कुछ नहीं देखने को मिलता था। कुछ खास बात क्या है इस टेम्पल की, पहली खास बात यहाँ पर यह है कि ये पत्थरों को काट करके, हिल्स को काट करके इसको बनाया जाता था। साथ ही साथ एक मेन गेट हमें देखने को मिलता था, जो पिलर्स होते थे वो यूजली स्क्वायर होते थे शेप के अंदर, साथ ही साथ पिलर्स के ऊपर कार्विंग ऑर्नामेंटेशन करा जाता था, और द्वारपाल वगैरह जो है टेम्पल के मेन गेट पर बनाए जाते थे, और मंडपा के अंदर आपको प्रिंसिपल डाइटी जिनका मंदिर है वो देखने को आपको मिलते हैं।
यही खास बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं इमेज के थ्रू, तो ये है महेंद्रवाड़ी, महेंद्रवाड़ी टेम्पल आपके ये सामने है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। महेंद्रवाड़ी टेम्पल को आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक ये बड़े से पत्थर को काट करके टेम्पल को बीच में बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही, बस ये देखो कितना छोटा टेम्पल है, यहाँ से आप अंदर एंट्री करें और यहाँ पर ये मेन मंदिर आ गया पीछे, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो पिलर्स हैं वो स्क्वायर शेप के हैं, साथ ही साथ आप ये देखिए कि यहाँ पर डिजाइन बना हुआ है, ऑर्नामेंटेशन पिलर्स के ऊपर बनी हुई है। और जब आप अंदर एंटर करते हैं मेन गेट पे, जब आप पहुंचते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से मेन गेट के ऊपर आपको ये दो द्वारपाल बने हुए देखने को मिलते हैं इसमें। और फिर यहाँ पर अंदर सेंटर में यहाँ पर आपको प्रिंसिपल डाइटी, जिनका भी मंदिर है, उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। ये टेम्पल्स कब हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं, यानी कि ये अर्ली 7th century AD के अंदर इनको यहाँ पर बनाया गया, जो कि अपने आप में खास बात है, ठीक है। तो ये बनाए गए महेंद्र वर्मन 1 के टाइम पर, यानी कि 600 से लेकर के 630 AD के बीच में। क्या खास बात है इस टेम्पल की, बड़े से एक पत्थर को काट करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर जो पिलर्स हैं वो स्क्वायर शेप के हैं और इन पिलर्स के ऊपर आपको ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब आप बात करते हैं अंदर की तरफ, जब आप एंटर करते हैं, तो मेन गेट के ऊपर आपको इस तरीके से द्वारपाल बने हुए देखने को मिलते हैं। और बहुत ही छोटा टेम्पल है ये, कोई बड़ा मैग्निफिशेंट टेम्पल नहीं है, बिकॉज ये शुरुआत हो रही है यहाँ पर टेम्पल्स की। तो ये हमें महेंद्र वर्मन 1 के टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। किसी का यहाँ पर कोई डाउट हो तो प्लीज डाउट एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ ले, डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर लाइक नहीं किया है तो, कोई डाउट है तो पूछ ले प्लीज। महेंद्र वर्मन 1 के बाद हमें नरसिंह वर्मन देखने को मिलते हैं। नरसिंह वर्मन 1 की जब हम बात करते हैं, तो नरसिंह वर्मन अपने आप में बहुत बड़े और बहुत ही माइटी पल्लवा रूलर हमें देखने को मिलते हैं। और नरसिंह वर्मन की जब बात करते हैं, तो हम इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर एक्सपेंशन करा अपनी एम्पायर का। नरसिंह वर्मन के टाइम पर हमें सेकंड स्टेज यहाँ पर देखने को मिलती है। और सेकंड स्टेज में यहाँ पर क्या खास बात आ जाती है, यहाँ पर खास बात ये हो जाती है कि बनाए यहाँ पर भी रॉक कट टेम्पल जा रहे हैं, बट जो टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं वो मोनोलिथिक रथास की शेप के बनाए जा रहे हैं। यानी कि एक ही जगह पर 4-5 टेम्पल बनाए गए हैं अलग अलग, जो कि यहाँ पर खास हो जाते हैं। नरसिंह वर्मन के टाइम पर क्या हो रहा है, जो टेम्पल्स बनाए जा रहे हैं वो एक ही सिंगल रॉक से ही बनाए गए हैं। और कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो बनाए गए हैं टेम्पल्स, उसमें जो पिलर है उसके ऊपर आपको लॉयन के हेड देखने को मिलते हैं कार्व्ड हुए हुए, साथ ही साथ रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब के इंसिडेंट्स जो हैं देखने को मिलते हैं। इन सब की जो चीज़ें हैं, सीन्स हैं, वो डिपिक्टेड हुए हुए हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ एलिफेंट्स वगैरह भी यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिलते हैं, कार्विंग हो रखी होती है। और जब हम बात करते हैं इन टेम्पल्स की, तो ये टेम्पल्स जो हैं क्या हैं, बेसिकली यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर सबसे फेमस जो टेम्पल है वो महाबलीपुरम के अंदर है, मोनोलिथिक रथा टेम्पल, जिसको पंचरथ टेम्पल या पांडव रथा टेम्पल भी बोला जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, तो हेयर यू कैन सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, शेर बना हुआ है, हाथी बना हुआ है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पर क्या है, इस तरह के कि ये रथा टेम्पल है, और यहाँ पर छोटे छोटे टेम्पल, मतलब सिंगल सिंगल टेम्पल, जिनको बोला जाता है कि यहाँ पर आप कह सकते हैं मंडपास के तौर पर, वो हमें देखने को मिलते हैं, बट इकट्ठे हैं बहुत सारे। अब यहाँ पर क्या है, आपको 5 टेम्पल देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पंचरथ टेम्पल भी बोला जाता है। ये जो सबसे छोटा शुरुआत में ये वाला टेम्पल आपको जो देखने को मिला, जिसके ऊपर मैंने सर्कल करा, इसको बेसिकली बोला जाता है द्रौपदी रथा टेम्पल, यानी कि ये द्रौपदी माता का टेम्पल है। और जो सबसे पीछे ये वाला टेम्पल, ये ऊपर वाला टेम्पल आपको देखने को मिल रहा है, दिस ये बैक का व्यू है, ये इसको धर्मराज टेम्पल बोला जाता है। धर्मराज कौन, युधिष्ठर, युधिष्ठर जो थे पांडवास के सबसे बड़े भाई, उनको धर्मराज बोला जाता था। तो इस तरीके से ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस तरीके के। और जब हम बात करते हैं सब टेम्पल्स की, तो ये 7th century के अंदर ही बनाए गए हैं, मिड 7th century में इसको यहाँ पर बनाया गया था, यानी कि समवेयर अराउंड 650 AD के आसपास ये आपको टेम्पल्स बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पर आपको ये सबसे पीछे धर्मराज रथ देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर आपको भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ, सहदेव रथ और द्रौपदी रथ, ये शुरुआत में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये 5 रथ, यानी कि पांडवास के रथ टेम्पल्स हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं। तो ये खास बात हो जाती है इन टेम्पल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आप ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बट हाँ, जब हम बात करते हैं ये धर्मराज रथ टेम्पल की, दिस धर्मराज रथ टेम्पल की,
तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप नोटिस कर सकते हैं चेंज है, इस टेंपल, इस टेंपल, इस टेंपल और इसमें चेंज है धर्मराज में। क्या चेंज है कि यहां पर हमें विमान की शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। हियर यू कैन सी, आपको यहां पर एक स्टेप्ड पिरामिडिकल शेप में विमान की शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में धर्मराज टेंपल को खास बना देती है। ठीक है, धर्मराज टेंपल में क्या हो रहा है कि जो यहां पर द्रविडियन स्टाइल है, यानी कि विमान का होना, वो हमें यहां पर देखने को अपने आप मिल रहा है। अब आप यहां पर देख सकते हैं, हियर यू कैन सी, ये दिख रहा है ना एक पिरामिडिकल शेप का बनता हुआ, तो ये हमें यहां पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये था सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि इस तरीके से मोनोलिथिक पत्थरों को काट के जो है रथास की शेप के टेम्पल, मतलब इस तरीके के टेम्पल्स बनाए जाते थे। अब यहां पर जब हम बात करते हैं इसके अलावा आगे चल करके क्या हुआ, आगे चल करके हमें थर्ड स्टेज देखने को मिली, जो कि हमें देखने को मिली राज सिंघा के टाइम पर। जब हम बात करते हैं राज सिंघा की, तो राज सिंघा ने क्या करना शुरू करा, इन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनवाने शुरू करे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर मेन टेम्पल्स हमें बनते हुए देखने को मिले, जो कि सॉफ्ट सैंड रॉक्स का, यानी कि सॉफ्ट सैंड स्टोन्स का इस्तेमाल करके इन टेम्पल्स को बनाया जाता था। स्ट्रक्चरल टेम्पल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल टेम्पल का मतलब ये होता है कि ये एक ही पत्थर को काट के नहीं बनाए जाते, अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है। और जो हमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल राज सिंघा के टाइम पर देखने को मिले, वो हमें देखने को मिले ममलापुरम और कांची के अंदर। कांचीपुरम के अंदर हमें कैलाशनाथ टेम्पल देखने को मिला, जो कि आपके सामने नीचे है ये, और ममलापुरम के अंदर हमें शोर टेम्पल देखने को मिला, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, ममलापुरम में, सॉरी। तो ये दो टेम्पल्स हमें कब बनते हुए, राज सिंघा के टाइम पर बनते हुए देखने को मिले। अब देखो आपको यहाँ पर एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, डिफरेंस क्या है कि ये एक अपने आप में सुंदर एक बड़ा टेम्पल है, मैग्निफिशेंट टेम्पल है, प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल आपको ये देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई मोनोलिथ हमें नहीं देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सा टेम्पल है, जिसमें यहाँ पर आपको पहले तो यहाँ पर मंडपा देखने को मिल रहा है, मंडपा के बाद आपको पीछे यहाँ पर विमान भी देखने को मिल रहा है, जो कि पिरामिडिकल शेप का है ना, ये विमान आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और विमान के ऊपर आपको यहाँ पर ये इस तरीके का एक क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये शिखर देखने को मिल रहा है बहुत छोटा सा, जो कि इसके ऊपर हुआ करता था। और साथ ही साथ जो ये दीवारें हैं, इनके ऊपर आपको ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं तीनों चारों तरफ। तो ये कुछ खास बात है राज सिंघा के टाइम पर जो टेम्पल्स बनने शुरू हुए। सॉरी, तो ये था हमारा थर्ड स्टेज। आप, आई होप आप लोगों को तीनों स्टेजेस में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि तीनों स्टेजेस में क्या कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिले। पहली स्टेज में क्या था कि एक बड़े से पत्थर को काट करके एक छोटा सा टेम्पल बना दिया गया। दूसरी स्टेज में हमने क्या देखा कि बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड आउट करके पांच पांच टेम्पल इकट्ठे, छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए गए हैं, जिनको पंचरथा टेम्पल भी बोला जाता है या पांडवा टेम्पल भी उनको बोला जाता है। और फिर राज सिंघा के टाइम पर आपको ये बड़े स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में खास है। अब बात करेंगे फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज जो कि हमें नंदी वर्मन के टाइम पर देखने को मिलती है। जब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की, नंदी वर्मन के टाइम की, तो यहां पर हमें क्या होता है, यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो चोला पल्लवा डायनास्टी है, इसका थोड़ा सा डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नंदीवर्मन के टाइम पर यहाँ पर चोला डायनास्टी का, सॉरी पल्लवा डायनास्टी का थोड़ा सा डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि नंदीवर्मन के टाइम पर जो टेम्पल्स बने, वो बने तो द्रविडियन स्टाइल में ही, बट वो छोटे बने, यानी कि जो पहले टेम्पल्स बन रहे थे वो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, है ना, यानी कि बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जा रहे थे। बट नंदीवर्मन के टाइम पर टेम्पल जो बने वो स्मॉलर हो गए साइज में, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप वैकुंठ पेरुमल टेम्पल देख सकते हैं। देखो कितना छोटा टेम्पल है, क्या इसके ऊपर आपको बड़ा शिखर देखने को, विमान देखने को मिल रहा है? नहीं। तो ये छोटे छोटे टेम्पल्स बनते हुए देखने को मिले। मदा गणेश्वर टेम्पल, ये छोटे छोटे टेम्पल्स यहाँ पर हमें नंदीवर्मन के टाइम पर देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि पल्लवास का डिक्लाइन होने लगा। और जैसे ही पल्लवास का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद हमें चोल अंपायर देखने को मिली। और चोल अंपायर के टाइम पर आपको बहुत ही खतरनाक, कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लेवल के टेम्पल्स आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे चोल अंपायर के टाइम पर। चाहे बृहदेश्वर टेम्पल हो या गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल हो, बहुत सारे बेहतरीन टेम्पल्स हमें चोल किंगडम के में देखने को अब मिलेंगे। और उसके बाद फिर आगे चल करके हमें और भी आर्किटेक्चर्स हम पढ़ेंगे, वेसरा स्टाइल जो कि चालुक्यास के टाइम पर हमें देखने को मिलेगा, नायक स्टाइल हम पढ़ेंगे, विजयनगर स्टाइल जो कि विजयनगर डायनास्टी के टाइम पर पड़ेगा, इन तीनों को हम कल पढ़ेंगे। अब आज बात करेंगे कि चोलास के टाइम पर किस तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट आया।
पल्लवास के टाइम पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे शुरुआत हुई महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर, और फिर कैसे आगे चल करके लास्ट में नंदी वर्मन के टाइम तक आते आते हमें डिक्लाइन देखने को मिला टेम्पल्स में। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर की, जो कि चोलास के टाइम पर हुआ। चोलास, जब हम चोलास की बात करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, इंपीरियल चोलास। इंपीरियल चोलास इनको क्यों कहा जाता है, इंपीरियल चोलास इन्हें इसलिए बोला जाता है बिकॉज इन लोगों ने, चाहे राजराज वन हो या राजेश्वर हो, इन्होंने क्या करा, इनका जो एक तरीके से कंट्रोल था वो श्रीलंका तक पर था। यानी कि जो श्रीलंका आज की डेट में आप मॉडर्न श्रीलंका देखते हैं, वो किसी टाइम पर इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था चोलास के टाइम पर। और साथ ही साथ जो इंडो चाइना है, यानी कि थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, यहां तक इनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है, इंडोनेशिया तक पर इनका जो है इन्फ्लुएंस था, बट श्रीलंका वॉज अंडर देयर डायरेक्ट कंट्रोल। और चोलास हमें कहां देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु और आसपास वाले रीजन के अंदर, साउथ इंडिया में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो राजराज वन के टाइम पर हमें ये टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत बड़े लेवल पर, माइटी टेम्पल्स हमें यहाँ पर बनते हुए देखने को मिले। और चोल रूलर ने एक से एक बहुत बेहतरीन टेम्पल्स यहाँ पर बनवाए, कई सौ टेम्पल चोलास ने साउथ इंडिया के अंदर यहाँ पर बनवाए। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पल्लव आर्किटेक्चर को ही इन्होंने आगे कंटिन्यू भी करा, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस करे। और खास तौर पर चोल अंपायर के जो टेम्पल्स हैं उन्हीं को मेन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें हर एक तरीके का फीचर देखने को मिलता है, चाहे यहाँ पर बाउंड्री वॉल का होना हो या गोपुरम का होना हो, ये हमें चोलास के टाइम पर बनते हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या खास बात हो जाती है कि पंचयतन स्टाइल के टेम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पंचयतन स्टाइल आप सबको पता है, मैं ऑलरेडी कई बार आपको बता चुका हूँ। पंचयतन स्टाइल में क्या होता है कि मेन प्रिंसिपल डाइटी के अलावा और भी जो देवी देवता होते हैं उनके भी छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बना दिए जाते हैं, सब्सिडरी श्राइन, सब्सिडरी मंदिर उनके बना दिए जाते हैं। खास बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें वही पिरामिडल शेप के विमान देखने को मिले, और जो ऊपर शिखर क्राउनिंग एलिमेंट रखा जाता था वो ऑक्टागन शेप का हुआ करता था। अगर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। कहाँ पर ये टेम्पल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल रहा है, चोलास के टाइम पर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको इस तरीके की बाउंड्री वॉल भी देखने को मिल रही है, साथ ही साथ आपको गोपुरम भी देखने को मिल रहे हैं इस तरीके के, और इसके अलावा आपको जो ये टेम्पल देखने को मिल रहा है इसमें विमान भी देखने को मिल रहा है जो कि पिरामिडिकल शेप का है। ये एक खास बात हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, किसके अंदर ये खास बात, और यहाँ पर बीच में हेयर सेंटर में यहाँ पर आपको मंडपा और गर्भगृह के बीच में आपको यहाँ पर अंतराल भी देखने को मिल रहा है ना। ये खास बातें हैं किस चीज की, ये खास बातें हैं हमारी द्रविडियन स्टाइल चोला टाइम पे जो बनाए गए टेम्पल्स उनकी। और साथ ही साथ ये टेम्पल कंपाउंड में आपको तीन चार जगह पर और भी छोटे छोटे टेम्पल सब्सिडरी श्राइन बने हुए देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में खास हो जाते हैं। यहाँ पर जब आप बात करते हैं विमान की, तो आपको द्रविडियन आर्किटेक्चर में खास बात क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर सिंगल विमान ही आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम द्रविडियन स्टाइल की बात करते हैं तो जो सब्सिडरी श्राइन है आसपास उसके ऊपर कोई विमान नहीं बनाया गया, नॉर्मल सिंपल टेम्पल है। विमान जो है वो प्रिंसिपल डाइटी के टेम्पल पे ही है, बहुत बड़ा सा विमान बनाया गया है पिरामिडिकल शेप का। जबकि हमने नागर स्टाइल में पढ़ा था तो हमने बहुत सारे सब्सिडरी श्राइन्स भी पढ़े थे, आपने देखा होगा कि जो हमने वहां पर नागर स्टाइल में देखा था, नागर स्टाइल में हमने क्या देखा था कि जो सब्सिडरी श्राइन है उसके ऊपर भी शिखर बने हुए हैं, और टेम्पल में बहुत सारे शिखर है ना। बट द्रविडियन स्टाइल में ऐसा नहीं होता, द्रविडियन स्टाइल में सिंगल विमान ही हमें देखने को मिलता है। और मंडपा असेंबली हॉल जो है वो बेसिकली गर्भगृह के साथ कनेक्टेड होता है, और बीच में एक छोटी सी टनल होती है जिसको अंतराल बोला जाता है, उस टनल से होकर के आप जाते हैं। और गर्भगृह का जो एंटर गेट होता है, एंट्रेंस वाला दरवाजा, उसके ऊपर आपको द्वारपाल, मिथुन या यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर्स बने हुए देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अक्सर हमें क्या देखने को मिला कि जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स हैं वहां पर एक वाटर टैंक भी होता है। जब हम बात करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल की, जो कि राजराज वन ने 11th सेंचुरी एडी में बनवाया, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, या फिर राजेंद्र की बात हम करें तो गंगई कोंड चोलपुरम का टेम्पल जो इन्होंने बनाया वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब आप यहाँ पर ये एरियल व्यू देख सकते हैं, एरियल व्यू में अब आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंपाउंड वॉल, जिसको आप बाउंड्री वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, कंपाउंड वॉल, बाउंड्री वॉल आपको मंदिर के चारों तरफ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको विमान देखने को मिल रहा है जो कि पिरामिडिकल शेप का है, ये खास बात है यहाँ पर विमान की। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है क्या, एक मंडपा देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो टॉप पर
आपको ये एक शिखर भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा, शिखर के अलावा, यहाँ पर हेयर यू कैन सी द गोपुरम, ये आपको एक बड़ा सा गोपुरम भी देखने को मिल रहा है। ये इमेज हमारे पास उस टाइप की नहीं है, बट यहाँ पर आपको ये गोपुरम भी देखने को मिल रहा है। और ये देखो, एक ये इधर और एक ये इधर, ये छोटे छोटे आपको अंदर श्राइन्स भी बने हुए, सब्सिडरी श्राइन्स भी आपको यहाँ पर ये बने हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अपने आप में खास हो जाते हैं, है ना। तो ये है इस टेम्पल आर्किटेक्चर की कुछ खास बातें जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाई, ठीक है। ये था बेसिकली कौन सा टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि हमें थंजावुर में देखने को मिलता है। 11th सेंचुरी के में हमें ये बनता हुआ देखने को मिला, और किसके टाइम पर बनता हुआ देखने को मिला, राजराज वन के टाइम पर ये हमें बनता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो ये था गाइस चोलास के टाइम का टेम्पल आर्किटेक्चर। चोलास में आप देख सकते हैं कि बड़े माइटी टेम्पल आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। आज के सेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आज मैंने आपको साउथ इंडियन स्टाइल, या कहें द्रविडियन स्टाइल के बारे में कुछ बताया। पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि द्रविडियन स्टाइल में क्या कुछ खास बातें होती हैं, फीचर्स आपको समझाए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे पल्लवास के टाइम पर ये द्रविडियन स्टाइल, यानी कि साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, और चार स्टेजेस के अंदर हमने ये पढ़ा कि कैसे महेंद्र वर्मन वन के टाइम पर, फिर उसके बाद आगे चल करके हमें और भी काफी सारे ये टेम्पल्स बनते हुए देखने को मिले, चाहे महेंद्र वर्मन के टाइम पर, नरसिंह वर्मन के टाइम पर, और उसके बाद आगे चल करके जो है राजसिंह के टाइम पर, और उसके बाद फिर नंदी वर्मन के टाइम पर डिक्लाइन हुआ। चारों स्टेजेस को हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि पल्लवास के बाद जब चोलास आए, तो चोलास के टाइम पर किस तरीके से राजराज वन ने और राजेंद्र चोल ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए, जिनको मेन मायने में द्रविडियन टेम्पल बोला जाता है, ठीक है। अब कल का जो हमारा सेशन रहेगा, इन आवर टुमारो सेशन, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे वेसरा स्टाइल को, जो कि बेसिकली चालुक्यास के टाइम पर हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिला। साथ ही साथ विजयनगर स्टाइल को भी पढ़ेंगे। विजयनगर स्टाइल में हमें क्या देखने को मिला, बड़े बड़े माइटी गोपुरम्स देखने को मिले, कुछ खास बातें देखने को मिली, उसको हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ नायक स्टाइल को भी कल हम पढ़ेंगे, तो इनको कल हम पढ़ेंगे। और कल जो है लास्ट सेशन रहेगा टेम्पल आर्किटेक्चर का, उसके बाद टेम्पल आर्किटेक्चर को वहीं पर एंड करेंगे। फिर मिडाइवल इंडिया की शुरुआत करेंगे कि मिडाइवल इंडिया में किस तरीके का हमें आर्किटेक्चर देखने को मिला, ठीक है। फिर आर्किटेक्चर को खत्म करने के बाद पेंटिंग्स को पढ़ेंगे, और भी सारी चीजों को कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो आज के सेशन में आपका कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें आप, अगर आपने अब तक लाइक यहां पर नहीं करा। बाकी यहां पर कोई डाउट हो तो पूछ लें। ये जो नोट्स हैं आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें, कमेंट भी आया है, एक कमेंट देख लेते हैं क्या है। कमेंट है यहाँ पर कि सर दशावतार टेम्पल कब बना। देखिए, जब हम बात करते हैं दशावतार टेम्पल की, तो दशावतार टेम्पल जो है वो बेसिकली क्या है, वो विष्णु भगवान का टेम्पल हमें देखने को मिलता है, जो कि देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर हमें बनता हुआ देखने को मिला। और जब हम उस टेम्पल की बात करते हैं तो वो अपने आप में खास है, क्यों, क्योंकि वो विष्णु भगवान का टेम्पल है, और उसके अंदर हमें काफी सारी खास बातें देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आपने पूछा कि भाई यहाँ पर किसके टाइम पर बनवाया गया दशावतार टेम्पल को, तो यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं दशावतार टेम्पल की, तो वो बेसिकली कब बनाया गया, वो बनाया गया समवेयर अराउंड, आप कह सकते हैं कि आप मान करके चलिए कि 6th सेंचुरी AD में, अर्ली 6th सेंचुरी AD में, यानी कि 500 AD के आसपास हमें जो है वो बनता हुआ देखने को मिला। और गुप्ता डायनेस्टी के अंदर, गुप्ता पीरियड के अंदर ही हमें वो दशावतार टेम्पल देखने को मिलता है, ठीक है, देवगढ़ के अंदर, जो मैंने आपको दिखाया भी था दशावतार टेम्पल, आपको ध्यान होगा जब हमने उसमें पढ़ा था कि पंचयतन स्टाइल उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि खास हो जाता है वहां पर। आई होप आपको ध्यान होगा, देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, है ना। तो ये था गाइस आज का हमारा सेशन, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय।